बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल खोजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो है वो बैन कर दी गई है। अब आप पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी दोस्तों, टिकटॉक के ऊपर सिंध हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाए, क्योंकि टिकटॉक जो है पाकिस्तान के अंदर फांसी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही है। दोस्तों टिकटॉक पर अर्निंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप टिकटॉक पर अर्निंग कर रहे हैं और मजीद भी करना चाहते हैं तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप टिकटॉक पर अर्निंग कर रहे थे आप उसी तरीके से टिकटॉक पर अर्निंग करते रहेंगे, और विदड्रॉ जिस तरीके से आप रिचार्ज से कर रहे थे वो आप करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए करना क्या होगा, आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो वीपीएन इंस्टॉल करना है। कोई भी वीपीएन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल पर इस वक्त जो है वो सिटी वीपीएन जो है वो इंस्टॉल्ड है। आपने वीपीएन को जो है ऑन कर लेना है अपने मोबाइल के ऊपर। जैसे ही आप वीपीएन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है सिटी वीपीएन, जैसे ही आप वीपीएन को अपने मोबाइल के ऊपर अनेबल करेंगे तो आप जो है टिकटॉक को एक्सेस कर सकेंगे, और टिकटॉक के अंदर आपका जितना भी अर्निंग पड़ी हुई है उसको आप विदड्रॉ कर सकते हैं और मजीद भी आप उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप टिकटॉक के ऊपर अर्निंग के हवाले से भी टिकटॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक जो है वो बैन हो चुकी है, आप नॉर्मल नेटवर्क के ऊपर टिकटॉक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि आपको टिकटॉक के हवाले से जो अपडेट थी वो बता दूं ताकि आप लोग इससे मुस्तफीद हो सके। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।